लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था घनाभ और बेलन के बारे में। घनाभ और बेलन का हमने देखा था आयतन क्या होता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं घन, घन का आयतन और उसका वक्र पृष्ठीय और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन इस टाइप की त्रि आयामी वस्तु, थ्री डायमेंशनल वस्तु अगर घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक समान हो जाए तो हमें एक इस टाइप की ठोस वस्तु मिलेगी। ठोस या खाली भी हो सकती है, और अगर ये ऐसे खाली भी हो सकती है, और अगर इसके ऊपर ढक्कन लगा दें तो ये चारों तरफ से बंद भी हो सकती है। तो इस टाइप की जो वस्तु है, इस तरह की जो त्रि आयामी वस्तु है उसको हम घन कहते हैं। तो घन की ये किनारी है, ये किनारा एज बोलते हैं, इसको हम ए से निरूपित कर सकते हैं। तो इसकी ये किनारी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। इसकी सभी जितनी भी किनारी हैं वो एक समान है ए। ये सभी इसकी किनारियां ए हैं। यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी ए है। तो घन एक तरह से घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी एक समान है, जिसको हम ए से निरूपित करते हैं। तो पहली चीज होती है इसका आयतन। जैसे कि आयतन आपको पता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, तो लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और इसकी ऊंचाई भी ए है। तो ये हो जाता है ए की शक्ति तीन, किनारे की शक्ति तीन। किनारा जो है इसका, उसकी शक्ति तीन। तो ये आयतन का फार्मूला है। दूसरी चीज होती है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ये देख रहे हैं कि ये जो घन है इसके कुल छः फेस है, और प्रत्येक फेस जो है वो एक वर्ग के आकार का वर्गाकार है, और इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो भुजा गुना भुजा, यानी कि किनारा गुना किनारा, ए गुना ए। तो इस तरीके का इसका जो एक फेस है उसका क्षेत्रफल ए की शक्ति दो है, इसका क्षेत्रफल ए की शक्ति दो है। तो इसका एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक फेस जो वर्गाकार है उसका क्षेत्रफल ए की शक्ति दो यानी कि ए गुना ए है। तो इस तरीके से इसके कुल, क्योंकि छः फेस है, छः वर्गाकार फेस है और प्रत्येक का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है, तो इसके छः फेसेस जो है वर्गाकार उनका क्षेत्रफल होगा छः गुना ए स्क्वायर, मतलब छः गुना किनारे की शक्ति दो। और तीसरा इसका अगर हमें चाहिए लेटरल सरफेस एरिया, चार दीवारों का क्षेत्रफल, चार दीवारों का क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया, तो क्योंकि इसकी चार दीवारें हैं और चारों दीवारें दीवारों में से प्रत्येक एक वर्ग है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा चार गुना ए स्क्वायर, चार गुना ए स्क्वायर मतलब चार गुना किनारे की शक्ति दो। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, घन का आयतन, किनारे की शक्ति तीन ए क्यूब, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल छः गुना किनारे की शक्ति दो छः ए स्क्वायर, और इसका चार दीवारों का क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया चार गुना ए स्क्वायर।